भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स ये सुंदर सूत्र उपदेश का नाम है इंद्रिय भावना सूत्र। इंद्रिय भावना सूत्र क्या सूत्र है? इंद्रिय भावना के बारे में बताया गया सूत्र। उस समय तथागत भगवान बुद्ध खजंगला गांव में मेखेलु वन में विराजमान थे। कौन सी गांव में? खजंगला गांव में मेखेलु वन में विराजमान थे। उस दिन पाराशरी ब्राह्मण का एक चेला था। पाराशरी ब्राह्मण का चेला का नाम उत्तर भगवान बुद्ध के पास आया। आकर के कुछ खुशी हो गया, बातचीत करके एक और बैठ गया, खड़ा हो गया। तो पाराशरी का चेला उत्तर भगवान बुद्ध को ये बात बताया। भगवान बुद्ध ये बात उत्तर को बताया, क्या है? पुण्यवान उत्तर, पाराशरी ब्राह्मण अपना शिष्य लोगों को इंद्रिय भावना के बारे में बताते हैं। क्या बताया? पाराशरी ब्राह्मण अपने शिष्य लोगों को इंद्रिय भावना के बारे में बताते हैं। जी तथागत, पाराशरी ब्राह्मण अपने श्रावक लोगों को, अपने शिष्य लोगों को इंद्रिय भावना के बारे में बताते हैं। उत्तर, पाराशरी ब्राह्मण अपना शिष्य लोगों को इंद्रिय भावना किस प्रकार से बताते हैं? समझते हैं ना? तो वो उत्तर बताया तथागत, वो बताते हैं, आंख से रूप नहीं देखेंगे तो, कान से आवाज नहीं सुनेंगे तो, वही है इंद्रिय शांत होने का तरीका। उसी प्रकार पाराशरी ब्राह्मण अपने शिष्य लोगों को इंद्रिय भावना सिखाते हैं। कैसे? आंख से रूप नहीं देखना चाहिए, कान से आवाज नहीं सुनना चाहिए, नाक से गंध नहीं सुनना चाहिए, स्वाद नहीं लेना चाहिए, स्पर्श नहीं लेना चाहिए, सोचना नहीं चाहिए। तथागत बताएं, उत्तर, ये बात ऐसा है तो पाराशरी ब्राह्मण का बातों के अनुसार अंधे लोगों के पास इंद्रिय भावना अच्छी तरह से है। पाराशरी ब्राह्मण की बातों के अनुसार जो अंधा है उन लोगों के पास इंद्रिय है, जो बहिर है उसके पास बहुत इंद्रिय भावना है। क्यों? उत्तर, अंधे लोग दिखता नहीं, बहिर लोग सुनता नहीं है। ये बोलने के बाद पाराशरी का चेला उत्तर चुप हो गया, एकदम झुक गया, सिर नीचे कर दिया है, सिर चेहरा एकदम गिर गया जैसा हो गया, एकदम क्या तो हो गया जैसा बैठ गया। इसके बाद ऐसा चुप होकर झुक के एकदम अपसेट मन से रहने वाले उत्तर को देख करके आनंद बंती जी को भगवान बुद्ध ये बात बताया। आनंद, पाराशरी ब्राह्मण
अपने शिष्य लोगों को इंद्रिय भावना के बारे में अलग प्रकार से बताते हैं। ये पारसे ब्राह्मण अपना शिष्य लोगों को इंद्रिय भावना के बारे में अलग प्रकार से सिखाते हैं। तथा पुण्यन आनंद बुद्ध शासन में उत्तम इंद्रिय भावना और दूसरा प्रकार से सिखाया जाता है। ब्राह्मण लोग ये पारसे ब्राह्मण इत्यादि दूसरा गुरु लोग ये इंद्रिय भावना अलग प्रकार से सिखाता है, लेकिन तथागत और अलग प्रकार से सिखाते हैं। आनंद भंते जी बताए तथागत ये उसके लिए समय है, सुगत जी ये उसके लिए समय है, अनुत्तर इंद्रिय भावना उपदेश दे दीजिए, हम लोग याद रखेंगे। ऐसा है तो पुण्य और आनंद ध्यान से सुनिए, हम बता देंगे। आनंद आर्य विनय में अनुत्तर इंद्रिय भावना किस प्रकार से होता है। आर्य विनय मतलब तथागत के मार्ग पे अनुत्तर इंद्रिय भावना किस प्रकार से होता है। आनंद यहाँ कोई भंते जी या कोई व्यक्ति आग से रूप देखने के बाद मन प्रसन्न हो जाएगा तो, तथा अप्रसन्न भी हो जाएगा तो, मनाप हो जाएगा तो, मनाप पता है, अमनाप भी होगा तो, वो इसी प्रकार उस रूप के बारे में जान लेता है। अब मुझे एक इच्छा उत्पन्न हो गया रूप पर, प्रसन्नता उत्पन्न हो गया और मुझे अप्रसन्नता उत्पन्न हो गया, मनाप उत्पन्न हो गया, अमनाप उत्पन्न हो गया, ये भी हेतुपल धर्म से ही बन जाता है। हेतुपल धर्म मतलब पाटिच्च समुपाद के अनुसार ही ये प्रसन्न अप्रसन्नता, मनापता, अमनापता उत्पन्न होता है। ये कठोर चीज है, फटिच समुपाद से ही ये बन गया, इसलिए जो कुछ अपेक्षा है, जो कुछ उपेक्षा है, उपेक्षा होगा तो, उपेक्षा मतलब घृणा भी नहीं होता है, आसक्त भी नहीं होता है, मनाप भी नहीं होता है, अमनाप भी नहीं, जो कुछ उपेक्षा है वो शांत है, वो उपेक्षा प्रणीत है। उसी प्रकार ऐसे सोचने से उनका मन में जो उत्पन्न होता है प्रसन्नता, अप्रसन्नता, मनाप, अमनाप, सब कुछ निरुद्ध होता है, या तो फिर निरुद्ध होता है मतलब नष्ट होता है, खत्म होता है, उनका मन उपेक्षा में रहता है, घृणा में भी नहीं जाता है, आसक्त में भी नहीं आता है। कैसे? ये जो मेरा मन में रूप देखने के बाद प्रसन्नता उत्पन्न हुआ, ये प्रसन्नता हेतुपल धर्म से ही उत्पन्न हुआ है, बिना कारण से उत्पन्न नहीं हुआ। ये कठोर चीज, कठोर चीज मतलब रूप दिखाई देता है ना, मुलायम नहीं है। ये पटिच समुपाद, ये पटिच समुपाद से ही उत्पन्न हुआ है। इसका मतलब पटिच समुपाद जीवन में 24 घंटा में हर एक सेकंड सेकंड में अपना जीवन में बनते रहता है। पटिसंपाद मालूम है ना, पटिसंपाद किसको किसको मालूम है, हाथ उठाइए। एक दो तीन चार पांच छह, नहीं मतलब पटिसंपाद के बारे में जानता नहीं है।
कभी सोतापन नहीं होता है। पटिसंपाद के बारे में मनन रोज नहीं करेंगे तो सोतापन कभी नहीं होगा, मरने दम तक विमुक्ति नहीं मिलेगा। नहीं, उसके लिए पटिसंपाद जानना चाहिए, साधानुसारी होगा, लेकिन धम्मानुसारी होने के लिए पटिसंपाद चाहिए। सोतापन्न होने के लिए पटिसंपाद चाहिए। पटिसमुपाद है निर्वाण की दरवाजा का चाबी। आप लोग पटिसंपाद नहीं जानेंगे तो चाबी इस्तेमाल नहीं करता है। चाबी के बारे में, दरवाजे के बारे में पता नहीं आप लोगों को, तो चाबी कैसे इस्तेमाल करेंगे? आप लोगों को ताला भी, ताला कहाँ पे वो भी पता नहीं है। इसीलिए पटिसंपाद विस्तार से जानना चाहिए। मेरे ख्याल से हमारे नया किताब में पटिसंपाद के बारे में है ना, पूरा विस्तार से जो दिया है ना, उसको और विस्तार से समझने के लिए कोशिश करना चाहिए। अपना किताब में उतारना चाहिए, उतार के गुम गुम के मनन करना चाहिए, समझना चाहिए। शुरू से अंत तक मनन करना चाहिए, पहले अंत से शुरू, अंत से लेकर के शुरू तक मनन करना चाहिए, फिर शुरू से लेकर के अंत तक मनन करना चाहिए। पटिसंपाद चक्रवन करके करके ध्यान करते करते पटिसंपाद समझने के लिए कोशिश करना चाहिए। अगर पटिच्च समुपाद समझ लेंगे तो आप सोतापन्न है। पटिसंपाद समझना चाहिए, अपना जीवन के अनुसार पटिसंपाद कैसे बनता है, अपना जीवन के अनुसार पटिसंपाद कैसे नष्ट होता है, अपना जीवन के अनुसार पटिसंपाद कैसे निरुद्ध होता है, अपना जीवन के अनुसार अपना जीवन में पटिच्च समुपाद किस प्रकार रहता है। समझ गया ना? आज से रूप देखने का पटिसंपाद है, आवाज सुनते समय पटिसंपाद वर्किंग है, खाते समय पटिसंपाद वर्किंग है, चुप रहते समय पटिसंपाद काम, अभी पटिसंपाद काम कर रहा है, सोते समय पटिसंपाद काम कर रहा है, हर सेकंड में पटिच्च समुपाद काम कर रहा है। तो ये पटिच्च समुपाद आप लोग पहले समझना चाहिए, हर एक पार्ट्स का विस्तार समझ के अपना जीवन से ही देखना चाहिए पटिसंपाद को, तब समझ सकता है, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा आप लोगों को। देखिए ये सोच नहीं सकते अभी। भगवान बुद्ध बताएं, उपेक्षा, मन उपेक्षा में आने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये जो देखता है रूप, वो हेतुपल धर्म से उत्पन्न हुआ है। हेतुपल धर्म मतलब क्या है? पटिसंपाद से बन गया है। हेतुपल धर्म मतलब पटिसंपाद, पटिच्च समुपाद से हर एक चीज बन जाता है। उसके लिए उदाहरण बताया, ऐसी बात है। एक आदमी है, वो आदमी आंख खोलता है तुरंत बंद करता है, पलकता है ना, तुरंत पलकता है, फिर खोलता है, फिर बंद करता है। वैसे ही उसी प्रकार तेजी से, उसी प्रकार जल्दी से, कुछ मेहनत से, बाहरी में ज्यादा मेहनत नहीं, थोड़ा मेहनत से जो उत्पन्न हुआ है वो प्रसन्नता, जो उत्पन्न हुआ है जो अप्रसन्नता, मनाप अमनाप निरुद्ध होगा तो कैसे? आंख फलकने का जैसा जल्दी स्पीड से, यानी कि थोड़ा मेहनत से, प्रसन्न अप्रसन्नता मनाप अमनापता
खत्म हो जाएगा तो मन उपेक्षा में आएगा तो आनंद आर्य विनय में, उसको कहता है इंद्रिय भावना। आंख से देखने वाले रूप पर अनुत्तर इंद्रिय भावना उसको कहता है, आंख से देखने वाले रूप पर अनुत्तर इंद्रिय भावना मतलब क्या है? आंख से रूप देखने के बाद मन कहाँ पे वो कैसे जान लेता है? जो रूप देखने के बाद प्रसन्नता उत्पन्न होता है ना, वो जान जाता है। कैसे जान जाता है? अभी मेरा मन में जो प्रसन्नता उत्पन्न हुआ वो हेतु पर धर्म से उत्पन्न हुआ है। ये रूप देखने मत उसी रूप पर जो उत्पन्न हुआ प्रसन्नता, वो प्रसन्नता पटिच संपाद से उत्पन्न हुआ है। कठोर चित पता चलता है। ऐसे मनन करने से मन उपेक्षा में आता है। उपेक्षा में आता है मतलब मन आंख से देखने वाले रूप पर सटता नहीं, न घृणा होता है, मनाप नहीं होता है, अमनाप नहीं होता है, मन उपेक्षा में आता है। इसी को कहा जाता है अनुत्तर इंद्रिय भावना आनंद। अनुत्तर इंद्रिय भावना के बारे में और बताएंगे तो यह कोई व्यक्ति, कोई भंते जी कान से आवाज सुनने के बाद उसी आवाज पर प्रसन्नता उत्पन्न होता है, अप्रसन्नता उत्पन्न होता है, मनाप उत्पन्न हुआ है, अमनाप भी उत्पन्न हुआ है। उत्पन्न होता है ऐसा उत्पन्न होने के बाद वो बनते कि इसी प्रकार ज्ञान से मनन करके समझ लेता है। कैसे? मुझे ये जो प्रसन्नता उत्पन्न हुआ या तो फिर अप्रसन्नता उत्पन्न हुआ, मनापता उत्पन्न हुआ, मनाप इच्छा, या तो फिर इच्छा उल्टा क्या है, अमनापता उत्पन्न हुआ, अमनाप, ये हेतु फल धर्म से उत्पन्न हुआ है। ये कठोर चीज है। कठोर चीज मतलब पता चलता है अच्छा से। पटिच समुपाद से उत्पन्न हुआ है ऐसा है तो, अगर आसक्त भी नहीं होगा तो घृणा भी, ऐसा पटिच समुपाद से उत्पन्न होने वाली चीज पर आसक्त भी नहीं होता होगा तो घृणा भी नहीं होगा तो मनाप अमनाप भी नहीं होगा तो उपेक्षा में आता है। वो उपेक्षा बहुत शांत है, मधुर है, स्वीट्स है उपेक्षा। ये ऐसी बात है, बहुत शक्तिमान एक पुरुष कुछ मेहनत से, दुर्बल पुरुष को फेंकते नहीं, शक्तिमान पुरुष ज्यादा मेहनत, थोड़ा मेहनत से ऐसे करेगा, इसको क्या कहते हैं, चुटकी मारेगा तो, चुटकी बजाएगा तो कुछ मेहनत से करता है ना, चुटकी बजाता है कुछ मेहनत से। उसी प्रकार कुछ मेहनत से उत्पन्न होने वाले प्रसन्नता अप्रसन्नता मनापता अमनाप निरुद्ध होगा तो, खत्म होगा तो, तथा उपेक्षा में मन आएगा तो आनंद, ये है कान से जानने वाले शब्द पर अनुत्तर इंद्रिय भावना है। समझ गए? थोड़ा मोड़ा है ना। आनंद आर्य विनय में अनुत्तर इंद्रिय भावना के बारे में और बताएंगे तो, यहाँ कोई भिक्षु या कोई व्यक्ति नाक से गंध या सुगंध जानने के बाद प्रसन्नता उत्पन्न होता है, या तो फिर अप्रसन्नता उत्पन्न होता है, या तो फिर मनाप उत्पन्न होता है, या तो फिर अमनाप उत्पन्न होता है। वो इसी प्रकार
जान लेता है। नाक से कोई गंध आ गया तो मुझे इस गंध पर प्रसन्नता उत्पन्न हुआ, अप्रसन्नता या तो फिर अप्रसन्नता उत्पन्न हुआ, मनाप उत्पन्न हुआ या तो फिर अमनाप उत्पन्न हुआ, ये भी हेतु फल धर्म से ही उत्पन्न हुआ है, कठोर चीज है, पाटीच समुपाद से बन गया है। क्या बन गया है? ये प्रसन्नता, अप्रसन्नता, मनाप, अमनाप, ये सब कुछ पाटीच समुपाद से बन गया है। इसीलिए जो कोई उपेक्षा है वो उपेक्षा तो बहुत शांत है, प्रणीत है, ऐसे तो उनके पास ऐसे सोचने से प्रसन्नता अप्रसन्न, जो मन में आया है प्रसन्नता, जो आया हुआ अप्रसन्नता, जो आया हुआ मनाप, जो आया हुआ अमनाप, सब कुछ निरुद्ध होता है, खत्म हो जाता है, उपेक्षा में मन आ जाता है, आनंद ऐसी बात है। कमल का पत्ता में पानी है, कमल का पत्ता थोड़ा टेढ़ा कर दिया तो वो पानी, सारे पानी गिर जाता है, रहता नहीं है। वैसे ही है कोई भी भिक्षु या कोई व्यक्ति उतना जल्दी कुछ मेहनत से उत्पन्न होने वाले प्रसन्नता, उत्पन्न होने वाले अप्रसन्नता, उत्पन्न होने वाले मनाप, उत्पन्न होने अमनाप निरुद्ध होगा तो, उपेक्षा में मन आ गया तो, वही है आर्य विनय में नाक से जानने वाले सुगंध गंध पर अनुत्तर इंद्रिय भावना उसको कहा जाता है। समझ गए? ठीक। अभी इसके बाद भगवान बुद्ध बताते आनंद आर्य विनय में अनुत्तर इंद्रिय भावना के बारे में और बताएंगे तो, यहाँ इस शासन में कोई भिक्षु या कोई गृहस्थ, कोई व्यक्ति जीभ से, अब ये बात बताइए कौन, विष्णु बताइए जीभ के बारे में। जीभ से रस लेने के बाद प्रसन्नता उत्पन्न होता है या तो फिर अप्रसन्नता उत्पन्न होता है, मनाप उत्पन्न होता है या तो फिर अमनाप उत्पन्न होता है। ऐसे होने के बाद किस प्रकार जानना चाहिए उसके बारे में, मेरा मन में ये जो इच्छा उत्पन्न हुआ, घृणा उत्पन्न हुआ, मनाप उत्पन्न हुआ, अमनाप उत्पन्न हुआ, ये हेतु फल धर्म से उत्पन्न बन गया है, कठोर चीज है, पटिच समुपाद से ही बन गया है। इसलिए जो कोई उपेक्षा है, उपेक्षा मतलब उसी में कोई किसी में भी जाता नहीं, उपेक्षा है, वो उपेक्षा बहुत शांत है, प्रणीत है, तो उनके पास ऐसे मनन करने से प्रसन्न अप्रसन्न मना भावना सब कुछ निरुद्ध होता है, खत्म हो जाता है, आनंद ऐसी बात है। कोई शक्तिमान पुरुष जीभ के किनारे थूप ले करके आराम से फेंकता है, ये जैसा बार बार फेंकता है ना, मात्र एक चीज में शक्तिमान नहीं है, आराम से फेंकता है ना, उस पर उसके लिए ज्यादा मेहनत करता है क्या? ज्यादा मेहनत क्या नहीं करता है। उसी प्रकार जल्दी, उसी प्रकार कुछ मेहनत से उत्पन्न होने वाले, उनका मन से उत्पन्न होने वाले इच्छा और घृणा, मनाप अमनाप सब कुछ निरुद्ध होगा तो, उपेक्षा में मन आ गया तो जल्दी बिना मेहनत से वो जीभ से जानने वाले रस पर अनुत्तर इंद्रिय भावना है।
इसका मतलब कुछ मेहनत से होना चाहिए ना, मतलब हमेशा ज्ञान से मनन करते रहना चाहिए। आर्यविनी में अनुत्तर इंद्रिय भावना के बारे में और बताएंगे तो कौन बताएगा ये? बताइए शरीर के बारे में। शरीर से स्पर्श लेने के बाद उसको होता है प्रसन्नता उत्पन्न होता, अप्रसन्नता उत्पन्न होता, मनाप उत्पन्न होता, अमनाप उत्पन्न होता। लेकिन ये तो हेतु से ही उत्पन्न होता, हेतु फलदार। ये इसी प्रकार समझ लेता है, कैसे कैसे समझ देता है? हेतु फलदार। ये जो मेरा मन में उत्पन्न हुआ शरीर पे मिलने वाले स्पर्श पर इच्छा और घृणा और मनाप अमनाप, ये सब कुछ हेतु फल धर्म से ही उत्पन्न हुआ है, कठोर चीज है, पटिच समुपाद से ही बन गया है। इसीलिए जो कोई उपेक्षा है, आसक्त घृणा पे बिना जाने वाली उपेक्षा है, वो उपेक्षा तो शांत है, प्रणीत है। तो ऐसा होने से उनके पास जो इच्छा और अनिच्छा और मनाप अमनाप जो कुछ है वो निरुद्ध होता है। ये ऐसी बात है, शक्तिमान कोई पुरुष झुका हुआ हाथ आराम से सीधा करेगा तो सीधा किया हुआ हाथ मोड़ लिया तो आसान से करता है ना, वैसे ही है कोई भिक्षु बहुत जल्दी कुछ मेहनत से उत्पन्न होने वाली इच्छा और अनिच्छा मनाप अमनाप उनका मन से निरुद्ध होगा तो मन उपेक्षा में आ जाएगा। तो यही है आर्य विनय में शरीर से जानने वाले इस परस्पर अनुत्तर इंद्रिय भावना। इसके बाद भगवान बुद्ध बताया और इसके बारे में बताएंगे तो आनंद, मन से कुछ कारण विचार आने के बाद प्रसन्नता इच्छा उत्पन्न होता है या तो फिर घृणा उत्पन्न होता है, मनाप उत्पन्न होता है, अमनाप उत्पन्न होता है। तो इसी प्रकार ये कारण जान जाता है, कैसे मेरा मन में ये जो उत्पन्न हुआ वो इच्छा घृणा मनाप अमनाप ये सब हेतु फल धर्म से उत्पन्न हुआ है, बन गया है, कठोर है, पाटिच समुपाद से बन गया है। इसीलिए जो मगर ये जो उपेक्षा है वो तो शांत है, प्रणीत है। ऐसे सोचकर उसी प्रकार उनका मन में जो आए वाले आया ना इच्छा और घृणा मनाफा मनाप ऐसा मनन करने से वो निरुद्ध होता है, खत्म हो जाता है। ये ऐसी बात है। ऐसी बात नहीं, शक्तिमान पुरुष कोई सुबह से लेकर रात तक गर्म हो गया हुआ लोहा है, पूरा आग पे है, पूरा सुबह से गर्म हो गया, उस पे क्या करता है पानी का बूंदा दो तीन को डालता है, आनंद वो पानी का बूंदा धीरे गिरता है, लेकिन गिरने के बाद तुरंत सूख जाता है। वैसे ही है, जल्दी कुछ मेहनत से उत्पन्न होने वाली इच्छा घृणा मनाप अमनाप निरुद्ध होगा तो उतना जल्दी मन उपेक्षा में आ गया तो वो है
आर्य विनय में मन में आने वाले विचार पर अनुत्तर इंद्रिय भावना आनंद। इसी प्रकार आर्य विनय में अनुत्तर इंद्रिय भावना होता है। आनंद धर्म में सुधरने वाले शेख भिक्षु का। शेख मतलब कौन है? शेख अशेख दो गो है। अशेख कहता है सुधर हो चुका है, अरहंत लोगों को अशेख कहते हैं। शेख कहते हैं सुधरने के लिए जो मेहनत करते हैं, हाँ वो क्या है? श्रद्धा हीरी और तप वीर्य प्रज्ञा, श्रद्धा शील शुद्ध त्याग प्रज्ञा इत्यादि गुण धर्म बढ़ा कर रहे तुम लोग शेख है। इसीलिए शेख बाल कहता है ना, पंच शेख बाल। तो उसके पास तो पंच शेख बाल है, जिसके पास नहीं है तो अशेख हो गया। जिसके पास नहीं वो अशेख नहीं, शेख भी नहीं, शेख जगह पे भी नहीं आया। अशेख मतलब हो चुका है, अरहत है। शेख मतलब अरहत के लिए प्रैक्टिस करता है। शेख भिक्षु का प्रतिपदा किस प्रकार का है? कैसे यह कोई आंख से रूप देखने के बाद इच्छा उत्पन्न होगा तो, घृणा उत्पन्न होगा तो, मनाप उत्पन्न होगा तो, अमनाप उत्पन्न होगा तो, उनका मन में उसी के कारण जो इच्छा या घृणा मनाप अमनाप के कारण क्या होता है? आंख से कोई भी रूप देख करके उस पे आसक्त हो गया तो या घृणा हो गया तो, मनाप हो गया तो, अमनाप हो गया तो क्या होता है? बहुत पीड़ा मिलता है, शर्म आ जाता है, एकदम खराब लगता है। कान से आवाज सुनने के बाद भी, नाक से सूंघने के बाद, जीभ से स्वाद लेने का, शरीर से स्पर्श लेने के बाद, मन से भी विचार उत्पन्न होने के बाद कैसे प्रसन्न अप्रसन्नता मनाप अमनता उत्पन्न होता है ना? ऐसे उत्पन्न होने के कारण मन पूरा पीड़ा मिलता है ना, बहुत पीड़ा मिलता है, शर्म आ जाता है, बहुत खराब लगता है। क्यों ऐसे होता है? पीड़ा में मन क्यों आता है? ऐसे होने पर वो चाहता नहीं है। शर्म आता है मतलब चाहता नहीं है, खराब लगता है मतलब चाहता नहीं है इसे आसक्त होना, घृणा होना। भगवान बुद्ध बताए आनंद, यही है शेख भिक्षु का प्रतिपदा। प्रतिपदा मतलब आचरण। आनंद इंद्रिय धर्म को बढ़ाए हुए आर्य कहता है कैसे लोगों को, आर्यन लोग कहता है कैसे लोगों को? यह बुद्ध शासन में भांति जी को या किसी को आंख से रूप देखने के बाद प्रसन्नता उत्पन्न होता है, अप्रसन्नता उत्पन्न होता है, मनापता अमनापता उत्पन्न होता है, तो वो प्रसन्न हो गया तो कैसे? खराब विचार पे बिना खराब विचार उत्पन्न होके रहने के लिए तथा उनका मन में विचार उत्पन्न होता है, खराब चीज पे बिना खराब होके रह सकता है, गंदगी चीज बिना गंदगी होके रह सकता है, उसी विचार गंदगी विचार है तो बिना गंदगी जैसे रह सकता है, राग उत्पन्न होने विचार है तो विराग जैसा मन रख सकता है। वो जैसा चाहता है वैसा रह सकता है।
अगर उपेक्षा में रहना चाहे तो उपेक्षा में रह सकता है, जिस प्रकार वो चाहता उसी प्रकार रह सकता है। आवाज सुनने के बाद भी छह इंद्रियों में जो कुछ मिल जाता है उसके कारण प्रसन्नता उत्पन्न होता है, अप्रसन्नता उत्पन्न होता है, मन आप उत्पन्न होता है, अमन आप उत्पन्न होता है। ये होने के बाद अगर वो चाहेंगे तो उपेक्षा में रह भी सकता है और रागी कुछ में विरागी रह करके रह सकता है, घृणा होने वाली चीज में बिना घृणा होकर रह सकता है। उसी प्रकार अगर वो चाहेंगे तो कर सकता है। इसको कहता है बढ़ाया हुआ इंद्रिय भावना बुद्ध शासन का। पहले क्या है, ये है अनुत्तर इंद्रिय भावना। दूसरी में क्या कहा, बढ़ाया हुआ इंद्रिय। अगर वो चाहेंगे तो कैसे, आसक्त होने वाली पिक्चर है, अनासक्त मन से वो देख सकता है। एकदम सुंदर लड़की है, पूरा गंदगी से उसको देख सकता है। गंदगी मतलब अंदर पूरा पेपड़ दिल तुप का खार है वैसा, वो बढ़ाया हुआ इंद्रिय भावना है। आनंद हम अभी अनुत्तर इंद्रिय भावना के बारे में बताया। धर्म मार्ग में प्रैक्टिस करने से एक भिक्षु का प्रतिपदा के बारे में बताया, बढ़ाया हुआ इंद्रिय इंद्रिय भावना के बारे में बताया। आनंद तथागत लोग अपने शिष्य लोगों को स्नेह मन से, अनुकंपा मन से, दयानुकंपा मन से जो कुछ करना चाहेंगे तो हम वो सब कर चुका है चुके हैं। आनंद ये है पेड़ पौधा, ये है एकांत जगह वो है ना। आनंद ध्यान करिए, देर मत हो जाए, बाद में मत पछताइए। ये है आप लोगों को हमसे मिलने वाले अनुशासना। भगवान भक्ति उपदेश बताया, पंत्र बहुत खुश हो गया। और जो आया था उनके बारे में इसमें नहीं है। मनाप मतलब मन से मनाप मतलब वही है, चाहता है, अच्छा लगता है। मनाप मतलब अच्छा लगता है, अमनाप मतलब अच्छा नहीं लगता है। प्रसन्नता मतलब आसक्त होना, अप्रसन्नता मतलब घृणा होना। मनाप मतलब अच्छा लगता है, अमनाप मतलब अच्छा नहीं लगता है। ये हमेशा यही होते रहता है ना, रूप देखते समय, शब्द सुनते समय, सुंघते समय, स्वाद लेते समय, स्पर्श लेते समय और विचार सोचते समय यही होते रहते हैं हमेशा। देखिए सुंदर सूत्र है ना, ये सूत्र तुरंत समझ में नहीं आता है। ये सूत्र समझ में आने के लिए आप लोग को और एक चीज करना पड़ेगा, पाटिसंपाद को सीखना पड़ेगा। पाटिसंपाद अच्छा सीखने के बाद ये सूत्र सुनना चाहिए, तब आपको समझ में आ जाएगा। तो आप लोग एक बात याद रखिए, आप लोगों को भाई से में ऐसे हो सकता है